आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज़ लेकर स्नोबर लियाकत आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम सब लोगों के लिए ढेरों लाखों करोड़ों दुआएं, प्यार मोहब्बत और बहुत खूबसूरत नेक दिली ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर हम हाज़िर हुए आपकी खिदमत में वीनस टेलीविज़न पे। ओनली ओनली ऑन वीनस संडे का दिन 7 से 8 बजे आपके पुराने वक्त पे हस्बे वादा, हस्बे मंशा, हस्बे ख्वाहिश और आपकी डिमांड के तहत हम 7 से 8 बजे अब शो किया करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हम इस वक्त खाना वाना पका के बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, खाना वगैरह खिला कर भी फारिग होते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर मेरे यूरोप में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी प्यारी बहनें और भाई हैं और जो फैमिलीज़ मेरे प्रोग्राम देखती हैं, उनको ये प्रोग्राम बहुत सूट प्रोग्राम अच्छा लगता है और ये टाइम बहुत सूट करता है। तो नाज़रीन, आपकी भी जो थी आपकी एक डिमांड, उसको हमने पूरा किया और अब हम जो स्नोबर मैरिज सर्विसेज है वो किया करेंगे हर इतवार को रात को 7 से 8 बजे वीनस टेलीविज़न के ऊपर। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा जो ब्यूटी शो है वो भी, इस वक्त तो वो सैटरडे को 5 से 6 बजे हो रहा है, लेकिन उसका टाइम भी मैं 7 से 8 बजे कर लूँ। बहरहाल आज आप लोगों से बहुत सारी बातें होंगी और इसके लिए वो आपकी कॉल्स भी लेंगे और कुछ ईमेल्स भी पढ़ेंगे जो लोगों ने हमें भेजी हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप टेलीविज़न पे जाके बोलें और उनको उनके बच्चों और बच्चियों के लिए रिश्ते चाहिए। शादियां करवाते हैं हम, जैसे कि आपको पता है शादियां बहुत सारी करवा भी चुके हैं, शादियां बहुत सारी नहीं भी हुई लेकिन वो हो जाएंगी, क्योंकि स्नोबर मैरिज सर्विसेज में जब एक दफ़ा आप एंटर हो जाते हैं, हम आपकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको रिश्ते उस वक़्त तक दिखाते जाते हैं जब तक कि आप निकाह के एक मुकद्दस बंधन में बंध ना जाएं। मेरे साथ मेरे शौहर, मेरे दोस्त, मेरे साथी प्रेजेंटर यानी कि लियाकत हारून हनीफ साहब मौजूद हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनको वेलकम करती हूं और कहती हूं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं लियाकत हारून हनीफ और मैं स्नोबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे जो स्नोबर मैरिज सर्विसेज is getting very very popular. Har roz pass registration nayi se nayi registrations aa rahi hain, bahut achi achi family hamare sath register ho rahi hain aur hum hamara jo process hai hum bahut confidential rakhte hain, aapki detail kisi aur kisi ko nahi di jati siway un logo ke jinse aapka match hota hai, wo bhi aapse pooch ke number diya jata hai। इसके अलावा जिन इलाकों में वीनस टीवी की ट्रांसमिशन डायरेक्टली नहीं देखी जा सकती, वो थ्रू इंटरनेट वॉच कर सकते हैं। www.venustv.tv पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर बतलाइए। कनाडा अमेरिका में जादू बॉक्स पे देख सकते हैं। और आज भी हम आपके जैसे यूजुअली कॉल्स लेते हैं, ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, अपनी डिटेल्स बताइए ताकि सब लोग सुन सकें आपकी डिटेल्स, ताकि अच्छी तरह जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रपोजल्स आएँ। और चाहे आप खुद हैं, आपके रिश्तेदार हैं, किसके आपका दोस्त हैं, किसी के बिहाफ पे भी आप बात कर सकें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और इस हिसाब किताब में अगर आपको मुनासिब लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। एक 28 इयर्स ओल्ड मास्टर्स इन कंप्यूटिंग साइंस में किया हुआ एक बच्चा हमारे पास आया है, वो 2 साल से यहाँ पे है, अब इसको HSMP मिल गया, मुग़ल ख़ानदान से है, वेरी हैंडसम बॉय, उसके मम्मी डैडी यहाँ पे हैं, इस्लामाबाद में भी उनका बहुत अच्छा सेटअप है और घर है, डैडी उनके जो हैं वो SDO रह चुके हैं, जो कि मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनसे बातचीत हुई, बहुत डिसेंट माँ बाप, बहुत अच्छे लगे, उनको एक बहुत खूबसूरत बहू की तलाश है, वो फौरी तौर पर अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो अगर आपको माशाल्लाह नियरली 5'8" उस बच्चे की हाइट है, बहुत हैंडसम गुड लुकिंग बॉय, इस वक्त वो अच्छी जॉब पर भी है और अनदर 2 ईयर्स के बाद उसको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे भी मिल जाएगा। मुग़ल बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से हैं, और लेकिन बच्चा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको
कुछ बात मुनासिब लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर कहें, क्योंकि मैंने आज उनके मम्मी डैडी से प्रॉमिस किया था कि उनके बच्चे का हम ज़रूर जिक्र करेंगे। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत दुआ लेते हैं जी। कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ लंदन से। जी मिसेस खान फरमाइए। मुझे अपने भाई के लिए लड़की देखनी थी, देख रही थी, सॉरी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा जरा मैं कंफ्यूज हूँ। लड़की देखनी है, लड़की देख भी रही है, लड़कियाँ देख भी चुकी होंगी, लेकिन लड़की नहीं, 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 नहीं अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पर, हम इतना ज्यादा कहीं आते जाते नहीं है, तो इसीलिए ना। लड़की हमारे पास मौजूद है, आप क्यों फिक्र कर रही है, हमारे पास है बहुत सही। ना भाई की एज मेरी 26 है। जी जी। और ग्रेजुएट उसने किया हुआ है। ओके। और उसके लिए जनते हमें यहाँ किस तरह कोई लड़की देखनी है। इंशा। और हम हिंदको स्पीकिंग है। हिंदको स्पीकिंग है फ्रॉम पिशावर। जी, हिंदको जो पिशावर से बात करते हैं। नो नो, पंजाबी, जैसे लाइक पंजाबी होती है ना, पंजाबी तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है ना, तो ये हिंदको है, हम अटक के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, वो जो बोलते हैं हिंदको, थोड़ी सी बोले तो हिंदको में बात करें ना, मुझे अच्छी लगती है। नहीं हिंदको में मैं अभी आपसे क्या बात करूँ, अपने पिरा का रिश्ता चाहिए। जी मैं प्राउ वास्ते रिश्ता देखनी पई ने। अच्छा, तुसे देखने पई हो ना, कोई मसला कहीं नहीं, असा थानू जरूर दिखावांगे जी। तुसी रजिस्टर करना अपने भरा नू साडे नाल, सानू ईमेल करना। हाँ जी, मेरा ईमेल एड्रेस आंदा रहेगा बार बार, मैनू ईमेल कर देना। तुसनी आवाज बहुत स्लो आनी पई ने ना। अच्छा, आनी पई, साडी आवाज उची करो जी, आवाज बड़ी स्लो आनी पई ने। अच्छा, तुसा के कर सो कि सानू अपना ब्रदर दी सारा नाम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, सारा कुछ ईमेल करो और उसे रजिस्टर्ड करके तुम्हें आई डी नंबर देसी है, तो उसके बाद तुम्हारे भरा के टका टक से पख पख रिश्ते भेजिए। चले सही है, ठीक है, फिर मैं जनते ये इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं जितनी जल्द हो सके तो फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। थैंक यू मेरी जान, जल्दी जल्दी करें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या किया जाए आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे अपनी सिस्टर के लिए जो है वो रिश्ता चाहिए, वो पाकिस्तान में होती हैं। जी, पाकिस्तान किस जगह पे होती हैं? लाहौर में। लाहौर में, उनकी एज, एजुकेशन वगैरह बताइए। एज जो है वो उनकी तकरीबन कोई 19 साल है। जी। और अभी वो जो है, अभी वो ग्रेजुएशन में भी वो गई है। ठीक, इनके लास्ट फोर्थ ईयर उनका भी चल रहा है। सही। okay. आप ऐसे कीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए, have a pen and paper handy, हमारी actually email. हम लोग का जो ताल्लुक है वो मलक फैमिली से है। ठीक है। और हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जो कि लाहौर में ही सेटल्ड हो। लाहौर okay. में ही, फैमिली बैकग्राउंड लाहौर में ही हो। जी। और रिश्ता आपको यूके से चाहिए या लाहौर से चाहिए? नहीं, मींस के यहाँ पे भी अगर उनका आना जाना है तो ठीक है, और अगर लाहौर में अगर वो लोग सेटल्ड है वो भी कोई बात नहीं है। सही बात। और मलक फैमिली से ही चाहिए? नहीं, उसके लिए कोई वो बंदिश नहीं है। ठीक है। कोई भी अच्छे से लोग हो, जो कि लड़का जो है वो जरा पढ़ा लिखा हो। सही। आप अपनी सिस्टर की डिटेल मुझे प्लीज ईमेल कर दें, हम रजिस्टर करके फिर मैचेस देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है, जितने लोग भी ईमेल करते हैं या रजिस्टर होना चाहते हैं उनकी डिटेल्स हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, फिर उसी हिसाब के आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप लिखेंगे कि कैसा रिश्ता चाहिए, वो मैच करके आप हर हफ्ते एक या दो नंबर आपको देते हैं, आप उन लोगों से बात करते हैं, अगर बात बन जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फॉलोइंग वीक नए नंबर दिए जाते हैं, और ये सिलसिला उतनी देर चलता रहता है जितनी देर आपको मुनासिब रिश्ता मिल नहीं जाता, और ये एक स्नोबर मैरिज सर्विसेज की खासियत है। क्या ख्याल है स्नोबर? जी बिल्कुल जी, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार से आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं, आपकी ईमेल का भी जवाब देते हैं, और मेरा तो दिल बस चले तो मैं एक हफ्ते के अंदर सब मैच मेकिंग करके तो अपना जो डेटाबेस है तो खाली कर दूं और फिर रिटायर हो जाए। नहीं, रिटायर तो आप हो चुके हैं। जी ये देखें, ये तो हमने हर हफ्ते करते रहना है। देखिए मेरी तो अभी रिटायर के लिए खाली कर सकते, मेरे रिटायर, जी मेरे रिटायर होने में तो अभी 10-15 साल बाकी हैं, ये हो चुके हैं। जी लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ स्पेन से। जी मिसेस शाह वेलकम, कैसी हैं आप? मेरे को चाहिए कि मेरे ननन की लड़कियां हैं दो। जी जी। और एक मेरी पोत्री है। अच्छा जी। इसके लिए रिश्ते चाहिए। हम लोग है
शाह फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। शाह से मुराद सैयद लोग हैं। लड़कियां ब्रिटिश पासपोर्ट है, पैदाइश उनकी ब्रिटिश यूके में हुई। जी जी। ये लोग तकरीबन 40-45 साल से यूरोप में रहते हैं। स्पेन में रहती है बच्चियां? हेलो मिसेस शाह। हाँ मैं स्पेन में रहती हूँ, मैं ग्रैंड मदर हूँ। आप उनकी नानी या दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। तो बच्चियों की उम्रें क्या हैं? मेरा नाम मिसेस शाह नाम है। जी बताया आपने मिसेस शाह, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सैयद ज़ादी बच्ची हैं। हेलो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, A3 के लेवल के हैं। ओके। और ये लड़कियां जॉब करते दोनों। अच्छा जी ठीक है। तो ईमेल कर दीजिएगा आपकी जो पोती हैं उनकी डिटेल्स, और ग्रैंड डॉटर्स जो हैं ईमेल उनकी डिटेल्स हमें ईमेल कीजिए, हम रजिस्टर करके उसी हिसाब से फिर आपके ख्वाहिश के मुताबिक। आपका स्पेन कैसा है? हाँ जी आप वापस कॉल करें, हो सकता है स्पेन में आपसे मुलाकात।